पूर्व सांसद पप्पू यादव नई दिल्ली जाने से पहले पुलिस द्वारा अनंत सिंह पर की जा रही कार्रवाई को लेकर सरकार पर सीधा निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि बिहार में बालू माफिया और शराब माफिया पूरी तरह से हावी है। इन्हें छोड़कर अनंत सिंह जैसे लोगों को फंसाने के लिए पुलिस और सरकार मिलकर काम कर रही है। च्वाइस पोस्टिंग करवाकर पुलिस के अधिकारियों से यह काम करवाया जा रहा है। सिर्फ एक नेता को खुश करने के लिए ऐसी कार्रवाई की जा रही है। वेंडेटा, पॉलिटिकल वेंडेटा आप करिए, मैं इस चीज के पक्ष में, अनंत जी अच्छे हैं खराब हैं, मैं इसका कुछ नहीं, मेरा सिर्फ इतना कहना है कि जिस तरीके से आप, क्या है, एक बड़े पदाधिकारी और नेताओं के परिवार की पोस्टिंग करा करके जैसे मनाए हम वैसे करें, तब तो सब अपने अपने रिश्तेदारों का पोस्टिंग आप करा दीजिए DSP और थाने के रूप में। पहले किसी चीज़ों की पारदर्शिता की जरूरत है। मैं स्पष्ट मानता हूँ कि क्या उनको रिपोर्ट है, लगातार जिस तरीके का बयान उनका आया था कि होम्योपैथी और एलोपैथी इलाज हम कर रहे हैं, यह इलाज उनसे पूछिए कौन इलाज करवाने कर रहे हैं, जो उनके साथ नहीं रहेगा उनको मरवा देगा, उनको क्या करेगा। मैं गलत को आप कुछ भी कीजिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मैं कंप्लीट रूप से सरकार के स्टैंड के साथ रहूँगा गलत आदमी के, लेकिन ये माफिया तो इनको नज़र नहीं आता कभी, इनका स्टैंड रहता है शराब पर जमीन, दोनों माफिया पूरा का पूरा बिहार कब्जा किया हुआ है, बालू माफिया से लेकर शराब माफिया, ये मस्त है और एक आदमी पर लगे हुए हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ये न्यायालय देख रही है और सब कुछ देख रहा है, मुझे लगता है कि हर पार्टी को ऐसे तरीके का विरोध करना चाहिए। मैं इस तरीके का विरोध करता हूँ, कंडम करता हूँ कि आप टारगेट करके किसी एक व्यक्ति को खुश करने के लिए आप किसी के को ख़त्म कर दीजिए। कल तक हमाम में सब नंगे थे, हर डाल पर उल्लू बैठा अंजाम में गुलिस्ता क्या होगा, कल तक ये बहुत अच्छे थे, बाहर से MP का चुनाव लड़ते थे नीतीश जी, तो पूरा का पूरा साथ में घुमाना, सपोर्ट लेना, अन्य लोगों का सपोर्ट लेना, और तब तक